गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा सेतु से अ की मात्रा। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया है अ की मात्रा। यहाँ पे इसका चिन्ह है जो हम व्यंजन के बगल में लगाते हैं, दो बिंदु, इसको हम अ की मात्रा कहते हैं। जो हिंदी में इसको विसर्ग कहा जाता है, इसको अ की मात्रा के चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है छ प्लस अ की मात्रा क्या होगा, यहाँ पे छ होगा, त प्लस अ की मात्रा त, म प्लस अ की मात्रा म। यहाँ पे कुछ और भी फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है, जैसे हिंदी अंकों में छ लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे छ। ऋषि हैं जो तप कर रहे हैं, इसको हिंदी में लिखा है त प, अ की मात्रा तप। न न म, नमः, प में र की मात्रा और आ की मात्रा हो गया प्रातः। ये हुए आपके। और कुछ भी शब्द हैं जिसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है अ की मात्रा विसर्ग इसको हम कहते हैं। जैसे क में अ की मात्रा हम लगाए दो बिंदु इसके बगल में, क हुआ, खह, गह, घह, अगह। यानी और भी कुछ शब्द हम पढ़ते हैं, नमः, प्रातः, अतः, स्वतः, गतः, अंततः, फलतः। अधिकतर अ की मात्रा यानी विसर्ग का जो चिन्ह है वो संस्कृत भाषाओं में प्रयोग की जाती है और लिखी जाती है। हिंदी भाषाओं में बहुत कम शब्द आते हैं, जैसे दुख हुआ, हम दुख, दुख आता है तो हम दुख ऐसे लिखते हैं, कुछ दुख बीच में बिंदी लगाते हैं, दुख हो गया। ये अधिकतर संस्कृत भाषाओं में अधिकतर अ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। तो चलिए कुछ और भी हम शब्द पढ़ते हैं जो आप लोग के बुक में दिए हैं। यहाँ पे आप लोग को कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रातः उठ, तो हम यहाँ पे खूब सुंदर अक्षर में लिखेंगे प्रातः, ये हो गया प्रातः उठ। फिर है इसके बाद पाठ पुनः पढ़, यहाँ पे हम लिखेंगे पाठ पुनः पढ़। फिर है छह बज गए, यहाँ पे हम लिखेंगे छह बज गए। दुख मत कर, यहाँ पे हम लिखेंगे में अ की मात्रा लगाएंगे, दुख मत कर। ये हुए आपके अ की मात्रा से कुछ सब। पेज नंबर यहाँ पे 50 है भाषा सेतु से। ये हुए आपके अ की मात्रा से कुछ सब। इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।